बंद करो बंद करो, टिकटॉक बंद करो, हर कोई यही बात कर रहा है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बात कर रहा है क्यों टिकटॉक पे इतना गंद मचा हुआ है। चलिए आज हम यही इसी के बारे में बात करेंगे। हे गाइस, दिस इज राकेश एंड यू आर वॉचिंग वीरा फिल्म्स। हर जगह यही बात हो रही है कि टिकटॉक को बैन किया जाए, टिकटॉक को बैन किया जाए, लेकिन कोई ये नहीं बात कर रहा है कि टिकटॉक पे क्यों इतना ज़्यादा गंध मचा हुआ है, क्यों इतने बेवजह की वीडियोस अपीयर हो रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा ऐसे ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जो क्या कहते हैं फैमिली फ्रेंडली नहीं है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम ये नहीं बात करेंगे कि टिकटॉक को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसके जो रूट कॉज है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा जो मेन करियर है, मेरा जो मेन प्रोफेशन है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा वीडियो मॉडरेशन करता हूँ और कॉन्टेंट ऑडिटिंग करता हूँ। तो इसकी वजह से मेरे को एक एक रफ नॉलेज है कि क्या प्रॉब्लम है टिकटॉक की वीडियोज़ के साथ और उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अब देखिए, जबकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, चाहे यूट्यूब की बात कर लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम की बात कीजिए, फेसबुक की बात कीजिए, तो ये जो सारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनकी कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस, और ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को इसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए यूट्यूब, सो यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आप जब वीडियो को अपलोड करने जाते हैं तो उसमें ऑलरेडी पूछा जाता है कि इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं या नहीं, या फिर इसमें किसी टाइप का हेट है या क्राइम है, कुछ ऐसा कोई रिलेटेड रिलेशन है या नहीं इस वीडियो में, और उसके बाद ही उसको प्रोसेस करते हैं। तो वो एक स्टेप बना हुआ है और उस स्टेप को आपको पास करना होगा आपकी वीडियो को, देन ओनली इट विल अपियर ऑन यूट्यूब। सेम फॉर फेसबुक ऑल्सो, फेसबुक पर भी जो उनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, आप जब कोई भी वीडियो अपलोड करोगे तो फेसबुक उसको पहले एक मॉडरेशन करता है, उसकी एक ऑडिटिंग करता है। आप देखोगे कि जब कोई भी वीडियो अपलोड करते हो तो इट टेक्स टाइम, एक्चुअली 10 मिनट लग जाता है अपियर होने में उस वीडियो को, तो उस 10 मिनट में एक मॉडरेशन हो रहा होता है और वो सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को चेक करते हैं कि वो वीडियो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसके बाद ही वो अलाउ करते हैं फेसबुक वाले। फिर इंस्टाग्राम के साथ भी सेम चीज़ है। अब चलो बात करते हैं कि टिकटॉक पे क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस है। तो सबसे पहली चीज़, यस, उनके पास एक कम्युनिटी गाइडलाइन है, और उस कम्युनिटी गाइडलाइन को अगर आप पढ़ोगे तो दैट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एक्चुअली। इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने से पहले मैं भी उनके कम्युनिटी गाइडलाइन को पढ़ा, मेरे को ये लगता था पहले कि शायद टिकटॉक की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वो काफ़ी वेग होगी या फिर बहुत लिबरल होगी, जिसके वजह से ये चीज़ हो रहा है कि कोई किसी तरह के भी वीडियोस अपीयर हो जा रहे हैं तो कम्युनिटी गाइडलाइंस की कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं। उनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, मैंने जब पढ़ा तो मैंने ये फिगर आउट किया कि काफ़ी अच्छा कम्युनिटी गाइडलाइन है। कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस आए थे, जैसे कि एक वीडियो में कोई आदमी था या कोई लड़का था जो किसी कुत्ते के बच्चे को, पप्पी को टॉर्चर कर रहा था। तो दिस इज़ वेरी व्हाट इज़ ए बिग थिंग एक्चुअली, ये काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है ये। तो इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन अगर पढ़ोगे टिकटॉक के, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलरली एक गाइडलाइन है एनिमल क्रुएल्टी करके। तो कायदे से देखा जाए, अगर वो टिकटॉक पे अगर एनिमल क्रुएल्टी वाली गाइडलाइन है तो ये वीडियो कैसे अपियर हो गया। तो आप, मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा इस गाइडलाइन का। साथ ही साथ जैसे बहुत सबसे बड़ा चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो टिकटॉक है, एक तरह से सिनोनिमस हो गया है, कि वीडियोस विच आर हैविंग सेक्सुअली सजेस्टिव बिहेवियर या फिर एडल्ट इन नेचर, इनफैक्ट कई डांस वीडियोस ऐसे आते हैं जो बहुत इरोटिक हैं, इनफैक्ट यू कैन नॉट इवन ओपन दैट वीडियो इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली। तो ऐसे इस तरह के भी वीडियोस टिकटॉक पे आ रहे हैं, और जब इनके कम्युनिटी गाइडलाइन अगर आप चेक करोगे तो वहां पर एक गाइडलाइन है, एक पूरा पैरा है जिसपे न्यूडिटी के बारे में बात की जाती है और इरोटिका के बारे में बात की जाती है। तो वो उस तरह की भी गाइडलाइन है।
बात करते हैं, मतलब कि एक क्या कह सकते हैं कि जो टिकटॉक है, टिकटॉक में मैक्सिमम इस समय ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के बच्चे तक अपीयर हो रहे हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग दोज काइंड ऑफ एक्ट्स विच इज नॉट यू नो एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। लाइक मैंने देखा तो नहीं ये वीडियो, लेकिन मैंने सुना था एक वीडियो ऐसा था जिसमें दो तीन बच्चे थे और एक लड़की थी, लाइक सी वॉज वेरी मच स्केयर्ड, और जो लड़के थे वो लोग अपनी जिप बंद कर रहे थे। द होल पोर्ट्रे वॉज लाइक यू नो एक रेप अटेम्प्ट हुआ है या एक रेप हुआ है, एंड दैट टू दीज वर परफॉर्म बाई यू नो चिल्ड्रंस हु आर लाइक लेस देन 18 ईयर ओल्ड। सो दैट बिकम्स अ वेरी सीरियस थिंग, मतलब कि कैसे इस तरह की वीडियोज टिकटॉक पे आ गए। इसको मैं कम्युनिटी गाइडलाइन से जोड़ता हूँ, तो यस देयर इज वन गाइडलाइन विच टॉक्स अबाउट द यूसेज ऑफ माइनर्स, और उसमें सीधा सीधा लिखा है कि कोई भी माइनर बच्चा, मतलब कि कोई भी बच्चा वीडियो में अपीयर नहीं हो सकता है, एंड दैट टू लाइक यू नो इन सच अ फॉर्म कि जहाँ पे इरोटिक वीडियो बनाई जा रही है या फिर समथिंग विच इज रिलेटेड टू सेक्स और समथिंग लाइक दैट। तो कम्युनिटी गाइडलाइन है, लेकिन इसके बावजूद वीडियो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? तो प्रॉब्लम तो देखिए कम्युनिटी गाइडलाइंस के साथ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है उसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ। तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि आपने गाइडलाइन तो बना दिया, लेकिन आप उस वो जो सारे वीडियोस आपके डेटाबेस में जो आ रहे हैं डेली जो आ रहे हैं, उसका आप जो टिकटॉक है वो सही से मॉडरेट नहीं कर रहा है उस, मतलब कि वहां पे एक मैनुअल मॉडरेशन प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। मैनुअल मॉडरेशन प्रोसेस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए मैं जानता नहीं कि टिकटॉक का मॉडरेशन प्रोसेस किस तरह है, हो सकता है कि वहां पे एक ऑटोमेटिक मॉडरेशन प्रोसेस लगा हुआ होगा। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट ये जो एक लूप होल है वहां पे जो ये सब वीडियो पास हो जा रहे हैं। मैनुअल मॉडरेशन में क्या होगा कि कोई वीडियो आता है और वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है जो उसको देख उस वीडियो को देख रहा है और उसको कंपेयर कर रहा है कम्युनिटी गाइडलाइन से, तो वहां पे जब मैनुअल इंटरप्शन हो रहा है तो डेफिनेटली एक फिल्टर लग गया वहां पे। उस फिल्टर की वजह से ये जो सारे जो बेवजह की वीडियोस हैं जो मतलब कि विच शुड नॉट बी यू नो पब्लिश्ड ऑन सच प्लेटफॉर्म, तो एक मैनुअल मॉडरेशन उसको रोकने में कामयाब होगा। नाउ अब बात करते हैं कि भाई अगर मैनुअल मॉडरेशन अगर वहां पे हम इम्प्लीमेंट कर भी देते हैं तो क्या पॉसिबल है कि इतने ढेर सारे वीडियोस यू नो रोज अपलोड होते हैं टिकटॉक पे, तो क्या मैनुअल मॉडरेशन वहां पे पॉसिबल है? तो यस, मैनुअल मॉडरेशन बहुत हद तक पॉसिबल है वहां पे, क्योंकि सबसे बड़ा चीज तो ये है कि जो टिकटॉक पे जो वीडियोस आते हैं वो केवल एक मिनट के होते हैं, मैक्सिमम एक मिनट के होते हैं, तो डेफिनेटली मैनुअल मॉडरेशन अगर लगाया जाए तो ये भी पॉसिबल है। फिर और क्या हो सकता है, और क्या तरीका अपनाया जा सकता है इस जो फालतू के वीडियोस जो अपलोड हो रहे हैं डेली टिकटॉक पे, उस क्या किया जा सकता है? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो हर कोई जानता है कि मैक्सिमम लोग क्यों अपलोड करते हैं वीडियो, मैक्सिमम लोग अपलोड चाहे यूट्यूब की बात कर लीजिए चाहे टिकटॉक की बात कर लीजिए, वो है नेम फेम और एडवर्टाइजमेंट। जो सबसे आखिरी चीज है एडवर्टाइजमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हर कोई यहाँ पे अपलोड करता है ताकि उसके वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट है और उससे वो अर्न कर सके। तो इनकेस अगर कोई ऐसा वीडियो है जो यू नो जो मैनुअल मॉडरेशन को भी क्रॉस किया है लेकिन लगे कि यू नो दैट डजंट एड एनी वैल्यू टू द कस्टमर और एड एनी वैल्यू टू द व्यूअर, तो उनपे आप क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट ही रोक दो। अगर आप एडवर्टाइजमेंट रोक दोगे तो ऑटोमेटिकली जो इस तरह के क्रिएटर हैं जो फालतू के जो वीडियोस बना रहे हैं वो क्रिएटर्स जो होंगे वो डीमोटिवेट होंगे और उनका जो अपलोड होगा वो कम होगा, और अपलोड या कम होगा तो ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि फिर जो है गंध है जो वो मतलब ज्यादा नहीं फैलेगी टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे। चलिए अब बात करते हैं कि टिकटॉक को बैन करना क्या एक सही डिसीजन है और क्या ये इन इश्यूज को ये सॉल्व करेगा। तो मेरे हिसाब से है कि नहीं, टिकटॉक को अगर बैन करेंगे तो इसका ये मतलब यू नो अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होगा। आप टिकटॉक को बैन करेंगे तो कोई और यू नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाएगा, वहां पे लोग सेम चीज करने लगेंगे और इंस्टेंटली वो भी पॉपुलर हो जाएगा। तो बैन करना सही तरीका नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, माना कि टिकटॉक पे बहुत
ढेर सारे क्रिंज वीडियोस हैं, लेकिन वहाँ पे और भी कई क्रिएटर्स हैं जो मतलब यू नो जेन्युइनली काम करते हैं और उनके जो वीडियोस हैं काफी अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ हैक्स ले लीजिए या फिर वीडियोस रिलेटेड टू फार्मिंग मशीनरी और टेक्नोलॉजी, जैसे बहुत से वीडियोस आपने भी देखा होगा। इनफैक्ट वही वीडियोस फेसबुक पे भी आते हैं कि फार्मिंग के वीडियोस हैं और टेक्नोलॉजीज के वीडियो हैं, मशीनरी के वीडियोस हैं, वो अपीयर होते हैं। तो वो जो क्रिएटर हो दोज आर जेन्युइन क्रिएटर, तो उनको उनकी वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑल द क्रिंज वीडियोस। तो डेफिनेटली टिकटॉक को बैन करना सही नहीं होगा। और दूसरा तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत लोग इस पॉइंट से अग्री भी करेंगे कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डिफरेंट टूल्स की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे एक वीडियो बनाते हैं तो आपको एक आपके पास एक एडिटर होना चाहिए, कम से कम एक एडिटर होना चाहिए, वो लैपटॉप पे करेंगे, मोबाइल पे पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन जब टिकटॉक की बात की जाए, टिकटॉक पे आप वीडियो भी बनाते हैं, शूट भी फोन पे करते हैं, और वीडियो की एडिटिंग जो होती है वो भी आपके फोन पे होती है, और पब्लिश भी आप फोन के थ्रू करते हैं। तो वो बहुत यू नो एफिशिएंट एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, और दोस पीपल हु आर नॉट हैविंग मच ऑफ टाइम, उनके लिए तो बहुत अच्छा चीज है ये टिकटॉक। तो बैनिंग टिकटॉक इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, इनफैक्ट मैनुअल मॉडरेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन टिकटॉक। और उसके अलावा जो उनकी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो ये था मेरा ओपिनियन। अगर आप अग्री करते हैं मेरे ओपिनियन से तो डू हिट दैट लाइक बटन। अगर आप डिसअग्री करते हैं मेरे ओपिनियन से देन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि व्हाई यू डिसअग्री विथ माय ओपिनियन। और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या, बाय बाय।